ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 23 जून 1964। रिकॉर्ड चला है धीरज धर मनुआ धीरज धर। मनुष्य जब बीमार होते हैं तो बीमारी से छूटने के लिए सर्जन धीरज देते हैं। कि धैर्य धारण करो, परंतु वो तो होती है जिस्मानी बीमारी, और अभी तुम बच्चों को तो पता पड़ा है कि ये है रूहानी बीमारी, जन्म जन्मांतर की बीमारी है। और रूह को ही रोग लगा हुआ है, इसलिए रूह को ही ज्ञान इंजेक्शन लगाए रहे हैं। आत्मा को ही ज्ञान इंजेक्शन लगता है। ये ज्ञान का इंजेक्शन शरीर को तो नहीं लगता है, कोई सुई व दवाई आदि भी नहीं है। ऐसे तो ये एक ही इंजेक्शन बहुत काफी है। वो कौन सा इंजेक्शन है? मन्मना भव। मेरे मन के संकल्प में समा जा, अर्थात अशरीरी भव। ये इंजेक्शन है देही अभिमानी हो रहने से बच्चों का पवित्रता सुख शांति का वर्षा जमा होता रहेगा। जितना जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करते रहेंगे उतना उतना वर्षा जमा होता रहेगा। बच्चे जानते हैं आधा कल्प के दुख दूर करने वाला बाबा आया हुआ है। जो बाबा आया हुआ है उसके लिए कहते भी हैं हर हर महादेव। जन्म जन्मांतर के दुखों को हरने वाला है, पापों को हरने वाला है। आने वाली मुसीबतों को भी हरने वाला है, परंतु अब वह महादेव तो नहीं है। कौन है? दुख हरने वाला, जन्म जन्मांतर के पापों को हरने वाला वह महादेव तो नहीं है। जिसको भक्ति मार्ग में पूजते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति आत्मा की होती है, यह देहधारी की होती है, तो कौन से महादेव की बात है? कहते हैं महादेव हर हर।
अरे क्या गड़बड़ी हो गई भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में? शंकर को कह देते हैं दुखों का हरने वाला, जन्म जन्मांतर के पापों का हरने वाला महादेव नहीं है, कोई देवता नहीं है, ये तो शिव बाबा है। शिव और शंकर में तो अंतर है, शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग, शिव का पार्ट अलग और शंकर का पार्ट अलग। तो वो महादेव नहीं है दुख हरने वाला, दुख तो बाप ही हरेंगे। किसका बाप? आत्माओं का बाप ही दुख हरेंगे। दुख हर करके जन्म जन्मांतर के सुख देने वाला बाप ही है। बच्चे जानते हैं बरोबर आधा कल्प से हम कुछ न कुछ दूसरों को दुख देते आए हैं। अभी ये बीमारी बहुत बढ़ गई है। कौन सी बीमारी? दुख देने की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इन पांच विकारों ने बहुत दुखी किया है, इसलिए बाप कहते हैं ये जो इस कल्प का खाता है इस खाते को ठीक करो। व्यापारी लोग 12 मास का खाता माइनस और प्लस का रखते हैं, जो नौकरी वाले होते हैं वो माइनस और प्लस को नहीं जानते हैं। ऊंचे से ऊंचे धंधा क्या होता है? हैं? नौकरी का धंधा ऊंचे से ऊंचे होता है या व्यापार का धंधा ऊंचे से ऊंचे होता है? हैं? व्यापार का धंधा ऊंचे होता है, तो ऊंचे से ऊंचे व्यापार का धंधा है। ये कोई जिस्मानी व्यापार नहीं है, और सबसे ऊंचा धंधा होता है व्यापार में भी जवाहरात का। तो तुम कौन से व्यापारी हो? हैं? हाँ, रूह है जैसे कि जवाहरात हैं। कितने प्रकार की रूहें हैं? है? 9 प्रकार की रूहें हैं। कोई पुखराज है, कोई हीरे भी हैं, कोई माणिक हैं, कोई मोती हैं। तो तुम जवाहरात का धंधा करते हो, ये तुम्हारे ज्ञान रतन भी जवाहरात हैं। कोई के पास हीरे ही हीरे हैं, कोई के पास पुखराज हैं। व्यापारी लोग जानते हैं
कि व्यापार में हमारी कमाई होती है या कहीं नुकसान भी होता है। कभी नुकसान कभी फायदा, ये तो होता ही रहता है, है? जीवन में जो व्यापारी होते हैं उनका घाटा वाटा तो होता ही रहता है। तो ये वाटा घाटा नुकसान और फायदा इस जन्म के ऊपर आधारित है या इसमें पूर्व जन्मों का भी कुछ हिसाब किताब है? कभी हम बहुत सेवा करते हैं, बहुत ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन निकलता कोई नहीं है, तो ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है या इसे जन्म का नुकसान है? पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा सारा खाता इस कल्प का माइनस की तरफ चला गया है, तो कितने लोगों को समझाते हो, ज्ञान रत्न देते हो और फायदा बहुत होता है कि कम होता है? फायदा बहुत कम होता है। अभी क्या करना है? है अभी माइनस को प्लस में बदलना है। माइनस की तरफ क्यों गया है? है कोई कारण है? माइनस की तरफ इसलिए गया है कि तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। जो भी प्रयास करते हो ज्ञान रतन का धंधा करने का, उसमें याद की यात्रा रहती है या देवान में ज्यादा रहते हो, इसलिए रिजल्ट नहीं निकलता, माइनस में चला जाता है। तो तुम देह अभिमानी बन पड़े, किसने देह अभिमानी बनाया? माया रावण ने देह अभिमानी बनाया, एक ने नहीं बनाया, है? एक ने बनाया या अनेकों ने मिलजुल करके बनाया? है 10 सिर रावण को दिखाते हैं, वो एक व्यक्तित्व है या अनेकों का संगठन है? माया रावण ने तुम्हारा खाता ही खराब कर दिया। इस माया रावण ने सबको घाटे में डाल दिया है, इसलिए घाटा खाता खाते खाते कंगाल बन पड़े हैं। अभी तुम बच्चे कहते हो बाबा आप तो सत्य कहते हो, क्या ये देह अभिमानी जो रावण है इनके संग के रंग से हमारा बहुत घाटा हो गया,
कोई धंधा करते हैं, पार्टनर बनाते हैं कि नहीं? जिसको पार्टनर बनाते हैं उसका संग तो करना पड़ता है। तो कोई कोई पार्टनर बड़े चालाक होते हैं, है? बजाय फायदा आधा आधा करने के घाटा ही घाटा दिलवाए देते हैं। तो वो घाटा खाते खाते हम बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं। तो तुम बच्चे कहते हो बाबा आप तो बहुत सत्य कहते हो, बरोबर। इस माया रावण ने हमको बहुत घाटा डाला है। घाटा होते होते अब हम सब कौड़ी तुल्य तुच्छ बन पड़े हैं। क्या कौन कौन बन पड़े हैं? हम सब कौन हैं? है आत्मा है, कौड़ी तुल्य बन पड़े। आत्मा कौड़ी तुल्य कैसे? आत्मा तो अच्छी चीज है कि कौड़ी तुल्य है? हैं? आत्मा तो हीरे तुल्य, फिर क्या ये क्यों कहा आत्मा कौड़ी तुल्य बन पड़े? क्योंकि सुबह से शाम तक कौड़ी ज्यादा याद आती है, आत्मिक स्थिति कम रहती है, तो कितने तुच्छ बन पड़े। कुबेर जैसे खजानी थे, क्या कैसे खजाना था हमारा? कुबेर जैसा खजाना था। कुबेर कौन है? हैं? हैं? जो ज्ञान रत्नों का खजाना है वो सारे खजाने का मालिक है। हम कुबेर जैसे थे, अभी सत्य बाप हमको नर से नारायण बनने की मत दे रहे हैं। जिस श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनेंगे और उस श्रीमत से हमारा आधा कल्प का जमा हो जाएगा, और ये ऐसा खाता हमारा एक ही बार होता है। अभी बाप कहते हैं इसलिए अच्छी रीति खाता जमा करना है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद पाना है, तो देही अभिमानी बन बाप को याद करो, आत्मा ही पतित बनती है। इसलिए आत्मा को ही पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा कहा जाता है। पाप शरीर तो नहीं कहा जाता है, और पाप आत्मा बनाती है माया रावण। बाप को याद ही नहीं करते हैं तो पुण्य आत्मा कैसे बने? अशुद्ध अहंकार है नंबर वन भूत। माया ने कितना घाटा डाला है, सारी दुनिया में इस घाटे और फायदे का कोई को पता नहीं है। ये फायदा और घाटा तो बाप ही आकर के बतलाते हैं। श्रीमत भगवान वाच, ये बातें बताने वाला एक ही बाप है, जो आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ऐसे नहीं
कि ब्रह्मा के तन से ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं और हम अपने आप ही राजयोग सीखते रहते हैं। नहीं, ये सारा संगम युग बहुत फायदे का युग है। मनुष्य को भर देते हैं। सिर्फ एक बात में निश्चय रहे और बाप को याद करते रहो, बस। ये तो जानते हैं और हमने धीरज भी रखा है। बरोबर अब हमारी तकदीर जग रही है। कैसे है? एक बाप मिला है तो उसके संग के रंग से, उसकी याद से हमारी तकदीर जग रही है। और इन रावण संप्रदाय को हमने छोड़ दिया है। एक बाबा ये है जो हमको पार ले जाने वाला है। औरों की नवैया का सहारा लिया तो डूब जाने की संभावना है। कहते भी हैं एक बाप दूसरा न कोई। इस वैश्यालय से शिवालय में ले जाने वाला बाबा आया है। तो तुम्हारी नवैया का खिवैया तो एक ही है, है? कौन सी नवैया? ये शरीर रूपी नवैया जो विषय वैतरणी नदी में कहो, विषय सागर में कहो, पड़ी हुई है या मझधार में पड़ी हुई है, उसको पार ले जाने वाला कहाँ? पार माने कहाँ? हैं? दुखधाम से सुखधाम में ले जाने वाला एक ही खिवैया है। अच्छा, इसे शरीर को पार ले जाएगा कि आत्मा को पार ले जाएगा? अरे, जब कह दिया खिवैया एक ही है तो आत्मा और शरीर दोनों का खिवैया है। ऐसे थोड़े ही कि नवैया में बैठने वाला डूब जाएगा और नवैया को पार ले जाएगा। कैसा खिवैया है? बिठैया को भी ले जाएगा और नवैया को भी पार ले जाने वाला एक ही बाप है। वो पतित पावन खिवैया है। क्या नाव को खेते हैं ना, तो कैसे खेते हैं? है? एक तो चप्पू होते हैं और दूसरे है? हाँ, माझी। माझी माने खिवैया। चप्पू से नाव आगे बढ़ती है और हाँ, और उसका जब चप्पू नहीं चलते हैं तो बांस चलता है। बांस के आधार पर नवैया आगे बढ़ती है। तो नाम दिया है खिवैया और नवैया। उन माझियों में भी जो बहुत तैरने वाले होशियार होते हैं, वो बहुत युक्ति से तैरते हैं।
क्या अगर कहीं भंवर में फंस जाए तो भी युक्ति से भंवर को पार कर जाते हैं और दूसरों को भी सहज रीति तैरना सिखाते हैं। तुम्हें तो बहुत अच्छा उस्ताद मिला है, तुम बच्चे भी जानते हो बाबा कितना सहज हमको कलयुग के किनारे से सतयुग के किनारे ले जा रहे हैं। तरीका क्या है? बुद्धियों कहो, याद कहो, तो ये आत्माओं से बात कर रहे हैं। बात ये आए हैं आत्माओं की ज्योति जगाने, ज्योति जगाते हैं। इनको क्षमा भी कहा जाता है और ज्योति स्वरूप की भी कहा जाता है। क्या यादगार है? इनके ज्योति स्वरूप की यादगार क्या है? अरे हाँ, ज्योतिर्लिंगम। मनुष्य मरते हैं तो भी दीवा जगाते हैं, दीवा जगाए उसमें घृत डालते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा का दीवा जग गया है, परंतु माया रावण बड़ी हरखण है, दीवा बुझाने की कोशिश करती है। तो उसमें क्या डालते हैं? हैं? याद का घृत डालते हैं, डालते ही रहते हैं। तुमको ज्ञान का घृत अथवा याद का घृत, आधा कल्प से लेकर के कहां से भी नहीं मिला है। इसके कारण तुम्हारे दीवे बुझे हुए हैं, मानो बुझ ही गए हैं, बाकी थोड़ा जाकर के रहा है। इस समय है घोर अंधेरा, दीवा अच्छी तरह जलता है तो सोजरा ज्यादा होता है और उसमें घृत कम हो जाता है, है? बत्ती ही जलने लगती है तो अंधेरा होने लगता है। सतयुग में होता है घोर सोझरा। कारण क्या हुआ? है आत्मा का दीवा अच्छी तरह जग जाता है, उसमें ज्ञान घृत और अभिविचारी आत्म की स्मृति का घृत अच्छी तरह भर जाता है, तो सतयुग में घोर सोझरा हो जाता है। अभी फिर से तुम आत्माओं के दीपक जग रहे हैं और साथ साथ ज्ञान का तीसरा नेत्र भी तुमको मिल रहा है। पत्रों में भी बाप लिखते हैं, मीठे मीठे सिकील दे लाड़ले बच्चे, क्योंकि बाप बहुत मीठा है ना। तुमको तो प्रैक्टिकल में टेस्ट आती है कि बाप कितना मीठा है। ये प्रैक्टिकल में टेस्ट कैसे होती है? हैं? क्या चाटते हो? हैं?
तुम प्रैक्टिकल में जैसे तुम शरीरधारी हो वैसे बाप भी शरीर धारण करके आया हुआ है और तुमको बहुत मीठा मीठा ज्ञान सुनाते हैं, बहुत मीठी मीठी दृष्टि देते हैं, कितना प्यारा है। कहते हैं मैं तुमको कैसे ले जाऊंगा, नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, सारी दुनिया हाय हाय करके शरीर छोड़ेगी और तुमको तुमको नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। 23-6-64 की वाणी का दूसरा पेज। तो ले भी जाते हैं और हमको गुल गुल बना के ले जाते हैं, तो हमको भी कितना मीठा बनाते हैं ये भी तुम जानते हो। हम ही पहले कितने मीठे और कितने प्यारे थे, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बने तो खुद को पूजते रहे। पहले हम सो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण थे, फिर अब देखो हम सूर्यवंशी बन गए हैं। शूद्रवंशी बनना माना घाटा, अभी फिर हम सूर्यवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी बनना अर्थात फायदे ही फायदे में जाते हैं। अगर सूर्यवंशी न बने हैं तो या तो चंद्रवंशी बनेंगे, वैश्यवंशी बनेंगे, बौद्धिवंशी बनेंगे, क्रिश्चियन वंशी बनेंगे, तो कुछ न कुछ घाटे में चले जाएंगे। इसलिए बाप को पूरा याद करना है और खूब पढ़ाई पढ़नी है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, गाते भी हैं, जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली तो हमें भी जनक मिसल ज्ञान चाहिए। और जनक तो तुम सब हो ना, जनक माने तो हम सब कैसे जनक हैं? बीज है ना सारी दुनिया के, सारी दुनिया के बाप है ना, सारी दुनिया की पैदाइश किनसे होती है? हम बीज रूप आत्माओं से ही होती है। तो तुम सब नंबरवार जनक हो, इस सृष्टि रूपी मकान के मालिक हो। अरे घर का मालिक कौन होता है? हैं? बाप ही होता है। कोई बड़ा धनवान है, कोई धन कम धनवान है, फिर भी जनक तो हो ना। हैं? धनवान हो या न हो लेकिन तुम जनक तो सब हो। गरीब भी अपन को घर का मालिक समझेगा और जो साहूकार होगा वो भी अपन को अपने घर का मालिक समझेगा। तो तुम क्या हो? है? तुम सारे विश्व के मालिक हो। है? कभी कभी संकल्प आता है मन में विश्व का मालिक तो एक ही बनेगा, हम तो नहीं बनेंगे। लेकिन अभी बाप ने समझाया है ये सारी दुनिया को
वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है ना, तो सारी ही वसुधा तुम्हारा कुटुंब है और इस कुटुंब के तुम मालिक हो, पिता हो। तो तुम हरेक अपने को जनक राजा समझो। सेकंड में जीवन मुक्ति तुमको मिलती है। गरीब निवाज बाप को कहते हैं, क्योंकि सबसे गरीब भारतवासी ही बनते हैं। अभी तो तुमको बेगर, बिल्कुल बेगर बनना है। अरे क्या कहा है? अभी तो तुमको बेगर, बिल्कुल बिल्कुल बेगर बनना है। अरे ये तो घाटे का सौदा हो गया है, फालतू है इतना धंधा दोरी करना। ये देह भी अपनी न समझो। एक कहानी है, कहा ये लाठी भी छोड़ो। बाप कहते हैं मुख्य है ही ये देह अहंकार, इसको भूल जाओ, एक बाप को याद करो। ये तो सब जानते हैं मैं आत्मा हूं, ये शरीर है। एक शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरा लेती है। पुनर्जन्म को तो सब भारतवासी मानते ही है। जरूर जिस युग में रहेंगे पुनर्जन्म भी जरूर उसी युग में मिलेगा। 84 जन्म है ना, तो ये 84 का चक्कर है। लेकिन इस चक्कर में शुरुआत किससे होती है, है? इस्लामियों से शुरुआत होती है, क्रिश्चियन से शुरुआत होती है, किससे शुरुआत होती है? ये तुम बच्चों से ही आज शुरू होती है। तो तुम सब नंबर वाला आदिदेव हो। आदिदेव के बच्चे भी आदिदेव, फिर नीचे आते हो। तो ये हुआ तुम्हारा 84 का सुदर्शन चक्र। और इसको समझने के लिए तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र भी मिला हुआ है। जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम ऊंच पद पावेंगे, ये तो जानते हो कि जीवन मुक्त तो सभी देवताएं हैं, हैं? सभी देवताएं जीवन मुक्त हैं, हैं? जो भी देवी देवताएं हैं वो सभी जीवन मुक्त हैं? नहीं। अरे कितने हैं देवी देवताएं टोटल? सभी जीवन मुक्त हैं? नहीं है, है? जो भी देवी देवताएं हैं, जिनको देवी देवता कहा जाता है, वो कितने जन्म लेते हैं? पूरे 84 जन्म लेने वालों को देवी देवता कहा जाता है, बाकी कम जन्म लेने वालों को देवी देवता नहीं कहा जाता है। क्यों? हाँ, और धर्मों में कन्वर्ट तो होते हैं, लेकिन उनको देवी देवता क्यों नहीं कहा जा सकता? जीवन मुक्त क्यों नहीं है, है? क्योंकि इसी जीवन में पुरुषार्थ करते करते मुक्त नहीं होते हैं।
आत्मा देह अभिमानी के बंधन में ही रह जाती है और तुम ही सबसे पहले जीवन मुक्ति पाते हो। और भी जीवन मुक्ति पाते तो हैं, लेकिन सबसे पहले नहीं पाते हैं। पहले तो मुक्ति में जाना पड़े, तुम भी पहले मुक्ति अर्थात गति को पाते हो, फिर जीवन मुक्ति में आवेंगे। क्या पहले गति को पाते हो, गति माने स्पीड पकड़ते हो, परमधाम में जावेंगे तो जिनकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले जावेंगे, या गति धीमी होगी तो पहले जावेंगे, तीव्र गति होगी वो पहले जावेंगे। इसकी प्रैक्टिस तुम अभी करते हो। क्या कैसे प्रैक्टिस करते हो? है गीता में लिखा है अभ्यासेन तो कौन थे वैराग्येण च गृह्यते। इस संसार से वैराग आ जाए, इन आंखों से हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब मरे पड़े हैं। आज देखने में आते हैं, कल खलास होने वाले हैं। इनमें बुद्धियोग नहीं लगाना है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अंत तक हमारा साथी रहेगा। कौन? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो एक को याद करने से तुम्हारी गति कितनी स्पीडी हो जाएगी। जैसे बाप गतिशील होता है, कितना गतिशील होता है, है? सारी दुनिया का विनाश होगा, सब हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ के ऊपर जावेंगे या नहीं जावेंगे? जावेंगे। बाप जावेगा? हैं? बाप उनके साथ जावेगा? हैं? नहीं जावेगा। सब पहले ही चले जावेंगे और बाप मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जिसमें परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, वो सबसे लास्ट में जावेगा। फिर भी परमनाम पहले कौन पहुंचेगा? बाप ही पहुंचेगा और हम बाप के साथ ही बन के रहेंगे या बीच में ही छोड़ देंगे? साथ ही बन करके रहेंगे तो हमारी भी स्पीड है, जैसा संग वैसा रंग लगेगा, हम भी स्पीडी हो जाएंगे, हम भी गतिशील हो जाएंगे। हमारी गति दुनिया वालों के मुकाबले सबसे पहले होगी। स्वर्ग में भी पहले पहले हम देवी देवताएं आवेंगे, ये भी नियम है। क्या कि जो पहले पहले गतिवान होकर के पहले जावेंगे परम धाम में, बाप के घर में, वो पहले पहले सुखधाम में आवेंगे। दुनिया में भी क्या होता है? दुनिया का कोई ऐसा मिसाल है इस बात का? है। क्या मिसाल है? जो बच्चा पहले पहले पैदा होता है वो पहले वर्षा पाता है। वो तो होता है एक जन्म का वर्षा, और ये 21 जन्मों का वर्षा है। ये 21 जन्मों का वर्षा कौन पहले पावेंगे?
जो पहले 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 मुक्ति धाम में जावेंगे दौड़ लगा के, और वो ही पहले पहले सुखधाम में आवेंगे। माने बाप के घर के बच्चे जो पहले बनेंगे वो बड़े हुए, और जो बाद में बनेंगे बाप के घर में बाद में पहुंचेंगे वो छोटे हुए। छोटों को बरसा पहले मिलेगा कि बड़ों को पहले मिलेगा? जो बड़े होंगे उनको पहले वर्षा मिलेगा, जो छोटे होंगे उनको बाद में मिलेगा। तो स्वर्ग में भी पहले पहले हम ही देवी देवताएं आवेंगे। जो देवी देवता धर्म अब प्राय है लोप हो गया है, क्या पूरा लोप नहीं हुआ है? अभी भी कुछ न कुछ है भारत में, अभी भी ऐसे ऐसे परिवार हैं, 60-60, 70-70 के संयुक्त परिवार हैं, सतयुग की यादगार हैं, जिनका एक ही मुखिया होता है। मजाल के कोई एक भी सदस्य उस मुखिया की मत से विपरीत चला जाए, एक राज्य पूरे परिवार का, एक धर्म, एक कुल, एक मत, ऐसे नहीं आज के परिवारों की तरह बच्चा जनता पार्टी में जा रहा है तो बच्ची कांग्रेस पार्टी में वोट दे रही है, पत्नी बहुजन समाजवादी पार्टी को फॉलो कर रही है, सबकी अलग अलग मत हो जाती है। तो कौन से देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हुए, कौन से परिवार? जो संगठित परिवार हैं, जो भारत में आज भी कहीं कहीं विरले देखे जाते हैं, वो देवी देवता सनातन धर्म के फिर भी कहेंगे पक्के हैं। भला कलयुगी दुनिया में हैं, फिर भी कलयुगी दुनिया में उनके परिवार में जैसे कि स्वर्ग लगा पड़ा है। मजाल जो भाइयों भाइयों में कोई प्यार की कमी हो जाए, विचार का अंश भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे परिवार भी हैं। तो बताया कि वो देवी देवता धर्म अभी प्राय है लोप है, पूरा लोप नहीं है। अभी बाप आशीर्वाद करते हैं, मीठे मीठे बच्चे क्या आशीर्वाद करते हैं? सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा? और मनमना भाव तो ये एक जन्म का हुआ। सबसे बड़ा आशीर्वाद हुआ सदा सुखी भव, 21 जन्म नहीं, ऐसे नहीं कि हमको 21 जन्म का ही सुख लेना है, हमको तो भल कलयुग भी आ जाए तो भी, कलयुग में भी हम ऐसे परिवार में रहें जहां संगठित परिवार हो, जहां सब सुखी हो, आपस में कोई भी विद्वेष न हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? इसलिए मुरली में बोला है कि और धर्म वालों का आधा सुख और आधा दुख होता है, और तुम बच्चों का कम से कम 3/4 हिस्सा, पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा दुख होता है। उसमें भी
जो ज्यादा तीखे पुरुषार्थी बच्चे होंगे, बहुत याद करने वाले होंगे, बहुत सेवाधारी होंगे, वो तीन चौथाई से भी जास्ती सुख भोगने वाले हो सकते हैं। इसलिए बोला कोई कोई आत्माएं 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं, वो कौन होंगे, कितने होंगे? 8 ऐसे हैं जो सारा कल्प आदि से लेकर के और अंतिम 83-84वें जन्म तक भी बाप के संग के रंग में रंगे रहते, सहयोगी बन करके रहते हैं। और जितना बाप सुखी होता है उसी समान वो बच्चे भी सुख का उपभोग करते हैं। सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर माया उनको नीचे गिरा देती। तो आशीर्वाद करते हैं, क्या आशीर्वाद? बच्चे सदा सुखी भव, सदा शांत भव, सदा पवित्र भव, चिरंजीवी भव, बहुत बहुत जन्म जियो, तुम्हारी अकाले मौत न हो। आशीर्वाद तो बाप से ही मिलती है, परंतु फिर हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ भी करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से ही तुम चिरंजीवी बन रहे हो, क्या नियम है? लंबी उम्र हमारी हो जन्म जन्मांतर, उसके लिए क्या नियम है? हाँ, जो यहाँ जितने बड़े योगी होंगे उतनी लंबी उनकी आयु होगी। इसी जन्म में भी जो बहुत याद करेंगे तो उनकी आयु भी इसी जन्म में बहुत लंबी हो जाएगी। कितनी लंबी हो जाएगी? 150 वर्ष तो सतयुग की एवरेज एज है, संगम युग उससे आगे जाएगा या नीचे रहेगा? आगे होना चाहिए। एवरेज का मतलब ही होता है कि सतयुग के अंत में 150 से कम भी हो सकती है और सतयुग के आदि में 150 से ज्यादा भी हो सकती है। और तुम तो हो ही संगम युग में परमात्मा बाप से डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्राप्ति करने वाले, तो चिरंजीवी बन रहे हो। ये आशीर्वाद तुमको बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव है, वो ब्राह्मण भी छोटे बड़े होते हैं कि नहीं है? छोटे बड़े होते हैं नंबर वार, कोई किसी कुरी के, कोई किस कुरी के। ब्राह्मणों की नौकरियां होती है ना, उन कुरियों में भी कोई अच्छे पुरुषार्थी, कोई डम्ब पुरुषार्थी। और यहाँ तो तुमको कौन सा ब्राह्मण अब आशीर्वाद दे रहा है, है? हाँ, चोटी का ब्राह्मण। चोटी का ब्राह्मण क्यों कहा? क्योंकि पहले पहले बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो है पहला ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला चंद्रवंशी, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, बाप भी कहते हैं। अभी तुम सदा जीते रहो, तुम भी समझते हो अभी हम चिरंजीवी बन रहे हैं। आधा कल्प के लिए हमको कब खाल नहीं खावेगा? क्या आधा कल्प के लिए हमको काल कब नहीं खावेगा? हमारे अकाले मौत होगी नहीं, हम स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे।
सत्युग में मरने का नाम ही नहीं होता है, है? यहां नाम होता है क्या? मर गए। सत्युग में नाम क्यों नहीं होता है? हैं? वहां अपन को आत्मा समझते हैं, आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं है, और यहां तो आत्मा समझते ही नहीं है। क्या समझते हैं? देह समझते हैं, तो देह की मृत्यु होती है, तो क्या कहने में आता है? मर गया। तो यहां तो मनुष्य मरने से डरते हैं, हाँ, और वहां आत्मा समझते हैं तो मरने की एक तो बात ही नहीं, और दूसरे शरीर तो भले वहां छोड़ते हैं लेकिन डर नाम की कोई चीज नहीं। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अभी मरने के लिए, हैं? ये क्या बात हुई? हम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? हाँ, देह भान छोड़ना माना मरना। अगर हमारा देह भान छूट जाता है तो जैसे कि हम इस दुनिया में जीते जी मर गए, बल शरीर रहेगा लेकिन आत्मा देह भान से परे हो जाएगी। शरीर छोड़ करके हम अपने बाप के पास जावेंगे, शरीर छोड़ के जावेंगे, हाँ, देह भान छोड़ के हम बाप के पास जावे। ऐसे नहीं हमारी देह खलास हो जाएगी, खलास हो जाएगी, हमारी तो देह भी रहेगी और आत्मा तो है ही अविनाशी। हमको ये अनुभव नहीं होगा कि हम शरीर से मर गए, शरीर भी हमारा सुरक्षित रहेगा और आत्मा भी सुरक्षित रहेगी, स्वर्गवासी बन जावेंगे। कौन से युग में? संगम युग में ही स्वर्गवासी बन जावेंगे। स्वर्ग सतयुग से आवेगा या संगम में आवेगा? कैसे? हाँ, स्व ग कहाँ गया? सही स्थिति में गया। तो सही स्थिति में हम जावेंगे कितनी देर के लिए? घंटे दो घंटे के लिए, हैं? 24 घंटे के लिए लगातार हमारी ऐसी स्टेज बन जाएगी कि हम अपन को देह नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे? ज्योतिबिंदु आत्मा ही देखेंगे, दूसरों को भी ज्योतिबिंदु आत्मा के रूप में देखने के आदि हो जाएंगे। तो जैसे कि हम जीते जी देह भान से मर गए, फिर बाप के पास जावेंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। निर्वाण धाम जाने के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो, क्या कहा है? निर्वाण धाम जाने के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो, क्या मतलब? सिर्फ का मतलब क्या हुआ है? सिर्फ का मतलब हुआ और धर्म वाले जो हैं, जो सन्यास धर्म वाले हैं, चाहे वो चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, क्रिश्चियन, कोई भी वंशी हो, वो सब कौन से वंश के हैं? वो सात सन्यासी हैं और तुम हैं? तुम प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हो, तो सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो निर्वाण धाम में जाने का। वो सन्यासी तो निर्वाण धाम में जाने का पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? हैं? हाँ, क्योंकि उन्हें तो निर्वाण धाम का पता ही नहीं है।